देगी। LCD की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो LCD की अगर फुल LED से मुकाबले थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन इसमें पिक्चर क्वालिटी है वो LED जैसी नहीं होती, छोड़ते हैं उनको लाइट मेटिंग डायोड्स बोलते हैं, इसलिए 23 से 24 भी डायोड्स हो सकते हैं, किसी में 40 भी डायोड्स हो सकते हैं, वो अलग अलग है। और इसमें दो तरीके की LED आती है, OLED की फुल फॉर्म है वो ऑर्गेनिक लाइट्स है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। ऑर्गेनिक लाइट्स पे चैनल का था, उसमें कलर बर्निंग की प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो क्या सैमसंग है वो क्या OLED दे रहा है, इसलिए अगर आप हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल बेनिफिट फीचर एंड फंक्शन BF&F बाय भूपिंदर सिंह। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट दी LCD LED OLED एंड QLED। आज मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं वो है LCD क्या है, LED क्या है, OLED क्या है और QLED क्या है, और इनमें से क्या बेटर है, और इनके फंक्शंस बेनिफिट और फीचर हमें क्या है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे LCD की। LCD की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो LCD की अगर फुल फॉर्म है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसलिए इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके दो पैनल के बीच में एक लिक्विड डाला होता है, और दूसरा इसमें है जो एक बेकलाइट लगी होती है जो इसको लाइट देती है। ये बेकलाइट सोर्स से चलती है और इसकी जो लाइफ है LED से मुकाबले थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन इसमें पिक्चर क्वालिटी है वो LED जैसी नहीं होती। अब दूसरी अगर मैं इसमें बात करूं तो उसके बाद में आइए वो LED है। LED को बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स, मीन छोटे छोटे डायोड्स होते हैं जो आपने कभी देखे होंगे, और वो डायोड्स अपनी लाइट छोड़ते हैं उनको लाइट एमिटिंग डायोड्स बोलते हैं, इसलिए LED की जो फुल फॉर्म है वो लाइट एमिटिंग डायोड्स है। और ये लाइट एमिटिंग डायोड्स जो छोटे छोटे डायोड्स होते हैं उसके थ्रू चलती है। एक LED में 23 से 24 भी डायोड्स हो सकते हैं, किसी में 40 भी डायोड्स हो सकते हैं, वो अलग अलग है। और इसमें दो तरीके की LED आती है, एक एज LED आती है जिसके एज में साइड से कॉर्नर पे डायोड्स लगे होते हैं, और एक बेक LED आती है, बेक लाइट LED आती है जिसमें बेक से लाइट लगी होती है और वो काम करती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो OLED क्या है, OLED की फुल फॉर्म है वो ऑर्गेनिक लाइट्स है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है कि मान लो कोई इसमें जितने भी पिक्सल है हर एक पिक्सल की अपनी एक लाइट होती है, और जब भी कोई ब्लैक सीन आता है तो ये सभी लाइट है जहां पे डार्क सीन दिखाना है वहां पे लाइट को कम्प्लीटली बंद कर देता है। और उसके बाद में जो QLED है, QLED की अगर मैं बात करूं तो उसको बोला जाता है क्वांटम डॉट LED। OLED और QLED में जो डिफरेंस है बड़ा बुमाक होता है, तो OLED में कहीं भी आपको ये देखने को मिलता है जैसे आप कोई चैनल चेंज करते हो तो उसमें क्या है लोगो जो वहां जहां पे चैनल का था उसमें कलर बर्निंग की प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो QLED उसमें कलर बर्निंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और दोनों ही जो अगर बात करूं OLED और QLED इनके पिक्चर क्वालिटी और कलर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो जैसे मान लो सोनी OLED दे रहा है, LG OLED दे रहा है, पैनासोनिक OLED दे रहा है, लेकिन सैमसंग वो QLED दे रहा है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि जो अगर इनमें से बेटर कौन सा है तो QLED और OLED LCD और LED से बेटर है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।